कार्यक्रम में उपस्थित कर्नाटका के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और कर्नाटका के और देश के मेरे नौजवान साथियों, मुरु सावीरामठा, सिद्धारूठा मठा, इंतहा अनेक मठागला क्षेत्र के नन्ना नमस्कार गलो। रानी चेन्नम्मा नाडु, संगोली रायण्णा नाबिडु, ई पुण्य भूमिगे नन्ना नमस्कार गलो। कर्नाटक का ये क्षेत्र अपनी परंपरा, संस्कृति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। यहां की अनेक विभूतियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्षेत्र ने देश को एक से बढ़कर एक महान संगीतकार दिए हैं। पंडित कुमार गंधर्व, पंडित बसवराज राजगुरु, पंडित मल्लिकार्जुन मानसोर, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी और पंडिता गंगूबाई हंगल जी को मैं आज हुबली की धरती पर आकर नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, साल 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस का ये दिन बहुत विशेष है। एक और ये ऊर्जा महोत्सव और दूसरी ओर आजादी का अमृत महोत्सव। उठो, जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको। एली एद देली, गुरु मटवा तन का निल दी। विवेकानंद जी का यह उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है। आज अमृत काल में हमें अपने कर्तव्यों पर जोर देते हुए अपने कर्तव्यों को समझते हुए देश को आगे बढ़ाना है और इसमें भारत के युवाओं के सामने स्वामी विवेकानंद जी की बड़ी प्रेरणा है। मैं इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करता हूं। अभी कुछ दिन ही पहले कर्नाटका की धरती के एक और महान संत श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी का देहावसान हुआ है। मैं सिद्धेश्वर स्वामी जी को भी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी का
कर्नाटका से अद्भुत रिश्ता था। उन्होंने अपने जीवन काल में कर्नाटका और इस क्षेत्र की कई यात्राएं की थी। बंगलुरु जाते समय वो हुबली धारवाड़ भी आए थे। इन यात्राओं ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी। मैसूर के महाराजा भी उन लोगों में से एक थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो यात्रा में उनकी मदद की थी। स्वामी जी का भारत भ्रमण इस बात का भी प्रमाण है कि कितनी ही सदियों से हमारी चेतना एक थी, एक राष्ट्र के रूप में हमारी आत्मा एक थी। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का अमर उदाहरण है। इसी भावना को अमृत काल में देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ा रहा है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जब युवा ऊर्जा हो, जब युवा शक्ति हो, तो भविष्य का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना उतना ही आसान होता है। कर्नाटका की इस धरती ने खुद ऐसी कितनी ही महान विभूतियां दी है जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा। बेहद कम उम्र में असाधारण काम किए। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, देश की अग्रणी महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। उन्होंने सबसे मुश्किल समय में भी आजादी की लड़ाई को नेतृत्व दिया। रानी चेन्नम्मा की ही सेना में उनकी साथी संगोली रायण्णा, ऐसे वीर योद्धा भी जिनके शौर्य ने ब्रिटिश सेना का हौसला तोड़ दिया था। इसी धरती के नारायण महादेव डोनी मात्र 14 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद बने थे। युवा की जीवटता क्या होती है, उसके हौसले कैसे मौत को भी मात दे सकते हैं, ये कर्नाटका के सपूत लांस नायक हनुमन थप्पा खोपड़ ने सियाचिन के पहाड़ों में दिखा दिया था। -55 डिग्री तापमान में भी वो 6 दिन तक मौत से मुकाबला करते रहे थे और वहां से जिंदा निकल करके आए थे। ये सामर्थ्य केवल शौर्य तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए, त्रिविश्वेश्वरैया जी ने इंजीनियरिंग में अपना लोहा मनवाकर ये साबित किया कि युवा प्रतिभा किसी एक दायरे में बंधी नहीं होती है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे युवाओं की प्रतिभा और क्षमता
एक से एक कल्पनातीत अविश्वसनीय उदाहरणों का अंबार लगा हुआ है। आज भी मैथ से लेकर के साइंस तक जब दुनिया के मंचों पर प्रतियोगिताएं होती हैं तो भारतीय युवाओं की काबिलियत विश्व को विस्मित कर देती है। साथियों, अलग अलग कालखंड में किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकताएं बदलती है, उसके लक्ष्य बदलते हैं। आज 21वीं सदी के जिस पड़ाव पर हम भारतीय पहुंचे हैं, हमारा भारत पहुंचा है, वो उपयुक्त समय सदियों के बाद आया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का ये युवा सामर्थ्य, ये युवा शक्ति। आज भारत एक युवा देश है, दुनिया की बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है, हिंदुस्तान में है। युवा शक्ति इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इंडिया जर्नी। द नेक्स्ट 25 ईयर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग द नेशन। युवा शक्ति's ड्रीम्स डिसाइड इंडिया डायरेक्शन। युवा शक्ति's एस्पिरेशंस डिसाइड इंडिया डेस्टिनेशन। युवा शक्ति's पैशन डिसाइड्स इंडिया पाथ। टू हार्नेस दी युवा शक्ति, वी नीड टू बी यंग विथ अवर थॉट्स, विथ अवर एफर्ट्स। टू बी यंग इज टू बी डायनेमिक इन अवर एफर्ट्स। टू बी यंग इज टू बी पैनोरमिक इन अवर पर्सपेक्टिव। टू बी यंग इज टू बी प्रैग्मेटिक। फ्रेंड्स, इफ द वर्ल्ड लुक्स टू अस फॉर सॉल्यूशंस, इट इज बिकॉज ऑफ द डेडिकेशन ऑफ अवर अमृत जनरेशन। आज जब दुनिया भारत की तरफ इतनी उम्मीदों की नजर से देख रही है तो इसके पीछे आप सभी मेरे युवा साथी हैं। आज हम दुनिया में पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था है और हमारा लक्ष्य है हम इसे टॉप 3 में लेकर के जाएं। देश की ये इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे युवाओं के लिए अपार अवसर लेकर आएगी। आज हम कृषि के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी ताकत है। कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से एक नया रिवॉल्यूशन आने वाला है। इसमें युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे, नई ऊंचाइयों पर जाने के नए रास्ते खुलेंगे। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आज भारत दुनिया की एक बड़ी पावर बनने की तरफ अग्रेसर हो रहा है। ये भारत के युवाओं के सामर्थ्य के कारण ही संभव हो पा रहा है। आज गांव हो, शहर हो या कस्बा,
हर जगह उफान पर है युवाओं का जज्बा। आज आप इन बदलावों के साक्षी बन रहे हैं, कल आप इसकी ताकत से फ्यूचर लीडर बनेंगे। फ्रेंड्स, दिस इज अ स्पेशल टाइम इन हिस्ट्री। यू आर अ स्पेशल जनरेशन। यू हैव अ स्पेशल मिशन। दिस इज द मिशन ऑफ मेकिंग एन इंपैक्ट फॉर इंडिया ऑन द ग्लोबल सीन। फॉर एवरी मिशन अ फाउंडेशन इज नीडेड, वेदर इट इज इकोनॉमी और एजुकेशन, स्पोर्ट्स और स्टार्टअप्स, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटलाइजेशन। इन एवरी डोमेन ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हैज बीन लेड इन द लास्ट 8-9 ईयर्स। द रनवे इज रेडी फॉर योर टेक ऑफ। टूडे देर इज ए ग्रेट ऑप्टिमिज्म इन द वर्ल्ड टवर्ड इंडिया एंड इट्स यूथ। This optimism is about you. This optimism is because of you. And this optimism is for you. Today, there are global voices saying this century is India's century. It is your century. The century of India's youth. There are global surveys saying majority of the big investors want to invest in India. These investors want to invest in you, India's youth. Indian startups are getting record investments. Many global companies are setting up manufacturing plants to make in India. From toys to tourism, defense to digital, India is making headlines across the world. So, this is a historic time when optimism and opportunity are coming together. Sathiyo, hamare desh mein हमेशा से नारी शक्ति को और नारी शक्ति ने राष्ट्र शक्ति को जागृत रखने, राष्ट्र शक्ति को बढ़ाने का काम किया है। अब आजादी के इस अमृत काल में महिलाएं, हमारी बेटियां और नए नए पराक्रम करके दिखा रही। भारत की महिलाएं आज फाइटर जेट्स उड़ा रही है, सेना में कॉम्बेटिव रोल्स में शामिल हो रही है। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, स्पोर्ट्स, ऐसे हर क्षेत्र में हमारी बेटियां बुलंदियां छू रही है। ये उद्घोष है कि भारत अब पूरी शक्ति से अपने लक्ष्यांकों की ओर बढ़ रहा है। साथियों, हमें 21वीं सदी को भारत की सदी बनाना है और इसलिए ये जरूरी है कि हम वर्तमान से 10 कदम आगे की सोचें। हमारी सोच फ्यूचरिस्टिक हो, हमारी अप्रोच फ्यूचरिस्टिक हो, ये जरूरी है कि युवा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आप
पॉजिटिव डिसरप्शन करें, विश्व के आधुनिक देशों से भी आगे चले। अगर हम याद करें, आज से 10-20 वर्ष पूर्व ऐसी कितनी ही चीजें अस्तित्व में भी नहीं थी, जो आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसी तरह आने वाले कुछ वर्षों में संभवतः ये दशक खत्म होने से पहले पहले हमारी दुनिया एकदम बदलने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और AR VR जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक नए स्वरूप में इवॉल्व हो चुकी होंगी। डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे शब्द कहीं ज्यादा गहराई से हमारे जीवन के हर आयाम से जुड़ चुके होंगे। हमारी शिक्षा से लेकर देश की सुरक्षा तक, हेल्थ केयर से लेकर कम्युनिकेशन तक, सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए एक नए अवतार में दिखने वाला है। आज जिन कामों का अस्तित्व भी नहीं है, आने वाले समय में वो युवाओं के लिए मेन स्ट्रीम प्रोफेशन होने की संभावनाएं हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हमारे युवा फ्यूचर स्किल्स के लिए खुद को तैयार करें। दुनिया में जो कुछ नया हो रहा है, हमें उससे खुद को जोड़ना होगा। जो काम कोई नहीं कर रहा है, हमें उन्हें भी करना होगा। नई पीढ़ी को इस माइंडसेट से तैयार करने के लिए देश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन सिस्टम तैयार कर रहा है। आज स्कूल से ही इनोवेटिव और स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन पर फोकस है। युवाओं के पास आज चॉइस के हिसाब से आगे बढ़ने की आजादी है। ये बुनियाद भविष्य के भारत का निर्माण करने वाले फ्यूचर रेडी युवाओं को तैयार करेगी। साथियों, आज इस तेजी से बदलते विश्व में स्वामी विवेकानंद जी दो संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए। ये दो संदेश हैं इंस्टीट्यूशंस और इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। आज हर युवा को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजुअल सक्सेस को टीम सक्सेस के रूप में विस्तार दे। यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में विकसित भारत को आगे ले जाएगा। मेरे युवा साथियों, आपको स्वामी विवेकानंद की एक और बात याद रखनी है। इनोवेशन के लिए भी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिभाषित करना है तो वो यही है। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले देश में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत हुई थी तो कुछ लोगों ने इसका खूब मजाक उड़ाया था। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो भी इन लोगों ने कहा कि ये सब भारत में चलने वाला नहीं है, देश गरीबों के लिए
बैंकों में जनधन खाते खुलवा रहा था, योजना लेकर आया, उसका भी मजाक उड़ाया। कोविड के समय हमारे वैज्ञानिक स्वदेशी वैक्सीन लेकर आए तो उसका भी उपहास किया गया कि ये काम भी करेगा या नहीं। लेकिन अब देखिए, आज भारत डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड लीडर है। आज जनधन खाते हमारी इकोनॉमी की एक बड़ी ताकत है। वैक्सीन के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि की दुनिया में चर्चा हो रही है। इसलिए आप युवाओं के पास अगर कोई नया आइडिया है तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है, विरोध हो सकता है, लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है तो उस पर टिके रहिए, उस पर भरोसा बनाए रखिए। आपकी सफलता मजाक बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबित होगी। साथियों, युवाओं को साथ लेकर आज देश में लगातार कुछ न कुछ नए प्रयास और नए प्रयोग हो रहे हैं। इसी कड़ी में नेशनल यूथ फेस्टिवल में भी देश के अलग अलग राज्यों के युवा विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए जुटे हैं। ये कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह है। क्या अलग अलग राज्यों के युवा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना लेकर अपने कौशल का प्रदर्शन करने आए हैं? यहां ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन जीता, क्योंकि हर स्थिति में जीत भारत की होगी। क्योंकि यूथ फेस्टिवल में हमारे युवाओं का टैलेंट निखर कर सामने आएगा। आप यहां एक दूसरे से कंपटीशन करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करेंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि कंपटीशन तभी हो सकता है जब उसमें भाग लेने वाले एक नियम को पालन करवाने में एक दूसरे का सहयोग करें। हमें कंपटीशन और कोऑपरेशन की स्पिरिट को लगातार आगे बढ़ाना है। हमें हमारे हर लक्ष्य में ये सोचना है कि हमारी इस सफलता से देश कहां पहुंचेगा। आज देश का लक्ष्य है विकसित भारत, सशक्त भारत। हमें विकसित भारत के सपने को पूरा किए बिना न रुकना है, न विराम करना है। मुझे विश्वास है हर युवा इस सपने को अपना सपना बनाएगा। अपने कंधों पर देश की ये जिम्मेदारी लेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।